गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक ही हम बात कर रहे थे जिसके बारे में सर्कल के बारे में बातें हम कर रहे थे। सर्कल की सर्कमफेरेंस और क्या एरिया किस प्रकार से निकाले जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं। फॉर्मूले आपने लागू भी कर लिए होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, आपने ट्राई भी किया होगा, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो देखो बेटा क्या करेंगे इसको। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। क्या कह रखा है हमको, एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी एक रेडियस दी हुई है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। हमको क्या रखी है बेटा, रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर हमको रेडियस दी रखी है। ठीक है, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। अब मेरे को यहाँ बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या लिखवाया था मैंने, इसका फॉर्मूला भाई आपको 2πr लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था ना। अब इसमें क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, उसकी जगह पर 2πr की वैल्यू कितनी होती है कई बार मैं बता चुका हूँ, 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 3.5। क्या रखेंगे यहाँ से 3.5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट को मैं हटाता हूँ, नीचे क्या फॉर्मूले लगा लेता हूँ, 10 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको 7 से काटता हूँ बेटा, 7 से 7 5 35। अब 5 से काटो, 5 2 10 आ गया। ये दो चीजें तो हमसे पूछी थी जो कि हमने निकाल दी।